बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज जो रेसिपी आपके पास लेकर आई हूँ वो है कॉन्डेंस मिल्क। बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार सा मार्केट वाला कॉन्डेंस मिल्क हम लोग घर में तैयार कर सकते हैं। दो इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बहुत ही मज़ेदार सा कॉन्डेंस मिल्क जो है वो घर में तैयार कर सकते हैं। कभी कभार कुछ एरियाज में हमें कॉन्डेंस मिल्क नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इन दो इन्ग्रीडियंट्स के साथ आप मज़ेदार सा कॉन्डेंस मिल्क खुद घर में तैयार करें, और आइसक्रीम्स के अंदर, शीर और बहुत सारी रेसिपीज के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंडेंस मिल्क हम किस तरह से तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने दूध जो लिया है वो तकरीबन दो कप के करीब मैंने यहाँ पर दूध लिया है। उसके साथ ही साथ हम इसके अंदर वन कप शुगर का इस्तेमाल करेंगे। जी, तो कंडेंस मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले हम बर्तन के अंदर ये 2 कप दूध डाल देंगे। इसके साथ ही साथ हम चीनी इसके अंदर ही डाल देंगे ताकि ये दोनों एक साथ अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। चीनी जो है वो अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स हो जाए। इसको हम हल्का सा हिला लेंगे। चीनी हमने इसमें ऐड कर दी है। दूध और चीनी को हम तकरीबन लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक पकने देंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स हो जाए। हम इसको 10 मिनट तक इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, इसको ऐसे ही रहने दें और लो फ्लेम के ऊपर आप इसको पकने दें। जी, तो दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट तक मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाया, मीडियम फ्लेम पर था। जब दूध बॉयल होना स्टार्ट हुआ फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया, और ये देखें ये शुगर जो है अच्छी तरह से दूध के अंदर डिसॉल्व हो गई है। अब इसको पकाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप फ्लेम को बिल्कुल लो पर रहने दें और कभी कभार इसमें चम्मच हिलाते रहें, 30 से 35 मिनट में आपका कंडेंस मिल्क तैयार हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप फ्लेम को हाई कर दें और कंटिन्यूस इसके अंदर आप चम्मच हिलाते जाएं, और 10 से 15 मिनट के अंदर जो है आपका कंडेंस मिल्क रेडी हो जाएगा। मैं फ्लेम हाई करने लगी हूँ और इसके साथ ही साथ मैं इसके अंदर मुसलसल चम्मच हिलाती जाऊँगी ताकि दूध बिल्कुल भी नीचे ना लगे। और 10 से 15 मिनट में हम लोगों का बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही अच्छा सा कंडेंस मिल्क जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखें, इसमें मैं चम्मच कंटिन्यूस हिलाती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा थिक हमने कंडेंस मिल्क को नहीं करना, थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी में ये रहेगा क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो अभी ये रनिंग कंसिस्टेंसी में ही होगा तो हम फ्लेम को जो है वो ऑफ कर देंगे। 2 कप मैंने दूध लिया था, ये इतना पकना चाहिए कि ये तकरीबन 1.5 कप या फिर 1.5 कप से थोड़ा सा कम जो है वो ये दूध कंडेंस मिल्क जो है वो हमारा रह जाए। जी, तो ये तकरीबन 15 मिनट के बाद हमारा कंडेंस मिल्क मज़ेदार सा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी में ही रहने देंगे, पकाते वक्त ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको किसी बर्तन में निकाल कर एयर टाइट जार के अंदर आप इसको 1 वीक तक के लिए और 10 डेज तक के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ और ये देखें, ये इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल जो है वो ठीक हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम आपको दिखाने के लिए किसी बाउल में निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे इस तरह से। ये देखें आप, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये बना है। थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी में है, ज़्यादा गाढ़ा हम इसको नहीं कर रहे ताकि ये ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा। इसको मज़े से बनाएं, खुद ट्राई करें, इसको खुद बनाएं और अपनी स्वीट डिशेस के अंदर इसको इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़ेदार बनता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।